आज मत रोको मुझे, मैं केवल बाबा की अंतिम इच्छा पूर्ण करने आया हूं। आपका क्या निर्णय है दस्युराज? इतने वर्षों से हमने केवल आपके साम्राज्य को लूटा है, परंतु आज कुछ लौटाने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। दस्यु लोक की ओर से मैं पुरु के साथ जाऊंगी महाराज। लाची, क्या तुम अपने इस निर्णय से आश्वस्त हो? इस कार्य पर जाना एक स्त्री के लिए कठिन सिद्ध हो सकता है। जो अपने प्राण संकट में डालकर संतान को जन्म देती है, उस स्त्री से सशक्त कोई नहीं हो सकता महाराज। हर एक स्त्री होने के साथ साथ मैं एक दस्यु भी हूं, और दस्यु लोक में राजा और रानी समान रूप से शासन करते हैं। स्त्री और पुरुष में कोई शक्ति भेद नहीं होता। यदि पुरुष एक पुत्र के भांति अपनी मातृभूमि की सेवा कर सकता है, तो एक पुत्री होने के नाते मैं अपने धर्म से क्यों पीछे हटूं? अब तक वहीं क्यों खड़े हो कनिष्क? क्षमा कीजिए महाराज, किंतु एक साथ दोनों कुमारों का जाना उचित नहीं। यदि हमने कनिष्क को साथ में भेज दिया तो राज्य के कार्यों की देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं। कौरव राष्ट्र की देखभाल के लिए हम अभी जीवित है श्रीदत्त, और आप भी। कनिष्क को कुरु के समर्थन के लिए जाना चाहिए। फिर से क्षमा चाहूंगा महाराज, किंतु अपनी समस्त शक्तियों को एक ही दिशा में लगा देना बुद्धिमता नहीं। मेरा सुझाव है कि राजकुमार कनिष्क को यहीं पौरव राष्ट्र में रोककर सभी सेनाओं को एकजुट करके अलेक्जेंडर से होने वाले आक्रमण के लिए तैयार करना चाहिए। मैं ताऊश्री की बात से सहमत हूं महाराज, कनिष्क को यहां से नहीं जाना चाहिए। हम दोनों का यहां से जाना प्रजा का मनोबल तोड़ सकता है, और इस समय आवश्यक यह है कि हम पूरी प्रजा को आश्वासन दें कि उनका भविष्य उनकी आंखों के सामने उनके साथ है, और हम दोनों भाई एक ही लक्ष्य लेकर भिन्न स्थानों से अपना कार्य करेंगे। मैं फारस जाकर और कनिष्क पौरव राष्ट्र में रहकर। ठीक है पुरु, अब तुम चारों फारस के लिए प्रस्थान करो।
अब एक राजा प्रसन्न है और एक पिता आश्वस्त। तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य में सफलता प्राप्त हो। विजयी भव। विजयी भव। धन्यवाद पिताश्री। कल सूर्य के उदय के साथ हम सब फारस के लिए प्रस्थान करेंगे। जब तक गुरु जीवित है उसकी मातृभूमि पर कोई भी बुरी दृष्टि नहीं डाल सकता, फिर चाहे वो संसार का सबसे बड़ा और सबसे क्रूर आक्रमणकारी ही क्यों ना हो। अलेक्जेंडर, आ रहा हूं, देखता हूं कि हमारा भाग्य हमें किस ओर ले जाएगा। युवराज पुरुषोत्तम की, 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 साहस और विश्वास को कभी हारना मत। अपनी मातृभूमि के लिए आपका प्रेम ही जो मेरे रक्त में दौड़ रहा है। मेरा फारस जाना आपके स्वप्न की ओर मेरा बढ़ता दूसरा कदम है। मैं दुर्बल नहीं हूं, किंतु एक मां अपनी संतान के साथ बचपन में समय इसलिए व्यतीत करती है क्योंकि उसे पता होता है कि एक दिन जब उसका पुत्र बड़ा होगा तो उसे दूर जाना ही है। परंतु
मुझे तो तुम्हारा बचपन देखने का अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ। आज पहली बार तुम मुझसे दूर जा रहे। माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। माँ आप निश्चिंत रहिए, भूल गई आप? युद्ध के लिए प्रशिक्षण आपने ही तो दिया है मुझे। अपना ध्यान रखना लाची। मुझे तुम पे गर्व है लाची, केवल मुझे ही नहीं सारे दश लोग को तुम पे गर्व है। तुमने आज जो कुछ करने का निर्णय लिया उसका साहस सभी में नहीं होता। मैं ये सब दस्यु लोग के लिए कर रही हूँ बाबा, मुझे आशीर्वाद दीजिए माँ कि मैं विजय होकर आऊँ। मैं जानता हूं मां, आपको यही भय है कि मैं इस यात्रा से जीवित लौटूंगा या नहीं, किंतु मैं आपको वचन देता हूं मैं इस यात्रा से अवश्य जीवित लौटूंगा। परंतु तुमने वहां जाना स्वीकार क्यों किया? तुम्हें वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी हस्ती। मैंने आपसे कहा ना मां, मैं बाबा की अंतिम इच्छा पूर्ण करने आया हूं। यदि बाबा जीवित होते हैं तो वो भी यही चाहता है कि मैं पुरु का रक्षा कवच बनकर उसके साथ रहूं। मैं जानता हूं मेरे कारण आपने कभी पुरु को अपने पुत्र का स्थान नहीं दिया। आज मैं आपसे कह रहा हूं हम दोनों को आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। पुरु और उसके भाव में बहते मत चले जाना पुत्र। भारत को एक राष्ट्र बनाने का स्वप्न उसका है, तुम्हारा नहीं। तुम तक्षशिला के युवराज हो, भारत के नहीं। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना कि तुम्हारे लिए तुम्हारे अपने लोग अधिक आवश्यक हैं। मैं आपके कहने का तात्पर्य समझ गया पिताश्री, किंतु क्षमा करें मैं आपकी बात से सहमत नहीं। गुरु के एक राष्ट्र के सपने हम सबको एक नया सपना दिखाया, हम उसके सपनों को पूर्ण करने में समर्थन तो कर सकते हैं ना। बहती हुई हवा की दिशा कभी एक नहीं रहती पुत्र, भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है हम नहीं जानते। मुझे तुम पर भरोसा है अम्मी, सदा सत्य के पक्ष में रहना। विजयी भव। ये पुरु का वचन है मां, फारस से लौटने के बाद मैं आपके साथ बहुत सारा समय बिताऊंगा। सावधान कनिष्क, राजनीति में यह आवश्यक है कि लोगों को आपके मन में चल रहे विचारों का पता ना चले। एक बार पुरु को यहां से प्रस्थान करने दो, उसके पश्चात मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने क्या सोचा है।
अपना खेल आरंभ कर चुका हूं। एलेक्जेंडर ने हमें दूसरी जंग में भी शिकस्त दी है। बोरस की तरह ये एलेक्जेंडर भी अब बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। मोशस वजह फरमाया हुजूर, हमें जल्द से जल्द कोई कदम उठाना चाहिए। कितनी फौज है इस एलेक्जेंडर के पास? करीब 50,000 सिपाही हैं हुजूर। प्यारे फारस के बाशिंदों, तुम्हारा शहंशाह भारत से तुम्हारे पास वापस लौट आया है और तुम्हें यकीन दिलाता है कि एलेक्जेंडर जो मैसेडोनिया से आया है अपने ख्वाब को अपनी आंखों में लिए इस दुनिया से चला जाएगा। उसे मालूम नहीं कि उसने शेर की मांद में हाथ डाला है। यकीन करो कि अलेक्जेंडर फारस पर कभी भी हुकूमत नहीं कर सकता, क्योंकि हम सब अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे कुचल देने वाले हैं। मुझे हर घर से एक बच्चा, एक सिपाही चाहिए जो अगली जंग में अपने मुल्क की तरफ से तलवार उठाने की शिद्दत रख सके। ऐसी फौज बनाएंगे हम जिसे देखकर अलेक्जेंडर का पांव उखड़ जाए और इस जंग की नुमाइंदगी मैं खुद करूंगा और अलेक्जेंडर को अपने इन्हीं हाथों से मार दूंगा। मोशस, अलेक्जेंडर को पैगाम भिजवा दो कि यीशुस की जंग में मैं उससे रूबरू होना चाहता हूं और यीशुस में उसे फारस की ताकत का अंदाजा हो जाएगा। भारत, 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 भारत। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कुछ बहुत ही खतरनाक होने वाला है। काश काश पुरु को मेरा पैगाम मिल गया हो। जितना अलेक्जेंडर के विषय में हमने सुना है वो सुनकर लगता है कि अलेक्जेंडर एक गंभीर संकट है। यदि उसका सामना करना ही हमारा भाग्य है तो यही सही। देखता हूं कि हम दोनों का भाग्य हमें किस ओर ले जाता है। पुरु, इतना धुआं, अवश्य वहां उस जंगल में कोई दुर्घटना हुई है। हाँ लाची,
हमें उनकी सहायता करनी ही होगी।